हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा मेडिसिन। स्वागत है दोस्तों आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। आज हम ऐसी सिरप की बात करने वाले हैं जो कि प्योर आयुर्वेदिक है, प्योर वेजिटेरियन है। इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैद्यनाथ का आता है ये वंसार आयरन टॉनिक, वंसार नाम से आता है और ये रहता है आयरन टॉनिक। इसके बारे में बात करने वाले हैं हम कि इसका कैसे यूज़ करना है और कितनी जल्दी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा यदि आपको पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं वंसार आयरन टॉनिक के बारे में। तो ये आता है 300 रुपये का ही आता है। तो 400 ml इसकी क्वांटिटी रहती है, 400 ml की क्वांटिटी में ये आता है। बात कर लेते हैं इसके हम कि इसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट रहते हैं। तो इसके अंदर पहला इन्ग्रीडियंट है लोहा सरिता, जो कि हमारी RBC को बढ़ाने का काम करता है और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने का भी काम करता है। और दूसरा है इसके अंदर हरी ताकि हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है। इन सब के बारे में बताऊंगा मैं डिटेल से आपको। और पिप पाली ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है ये। और फोर्थ है इसके अंदर बिब हिटाकी का, ये हमारे बॉडी में जो है हार्मफुल टॉक्सिन्स को ख़त्म करने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप का कब यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं जब हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब हमें क्या क्या कंडीशन दिखाई देती है। तो हमारी तेज तेज सांसें चलने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस आने लगती है, थोड़ा सा चलने पर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपकी सांस फूलती है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, आपका वज़न भी घट जाता है, आपकी छाती में से भी आवाज़ आने लगती है, या आपका हेडेक बना रहता है, या आपको भूख नहीं लगती हो, उस कंडीशन में ये समझिए कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है, आप में आयरन की डिफिशियंसी हो चुकी है, तब इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ये चार इंग्रेडिएंट जो मेन हैं ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए, RBC की संख्या बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। तो इस सिरप का यूज़ किया जाता है हमारे शरीर में जब भी कमी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, या कहें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, कई सालों से ये चलता है वैद्यनाथ का, और काफ़ी फेमस है, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके डोज की, क्या इसके डोज रहते हैं। तो इसका जो डोज है वह आप इसे 15 ml सुबह और 15 ml शाम को ले सकते हैं। यह 12 साल से ऊपर के व्यक्ति को लेना है 15 ml 15 ml। और यदि आप 12 साल से 5 साल तक के बच्चों में यदि इसे यूज़ करते हैं तो आप उन्हें 5 ml सुबह और 5 ml शाम को आप इसे दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 5 साल से छोटे बच्चों में आप इसे डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करें। बात कर लेते हैं इसे प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं है। तो इस सिरप को आप प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में महिला के अंदर RBC की संख्या, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो महिलाएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वे भी इस सिरप को ले सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है, उनमें भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। वो जो व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार हैं, किसी कारण से उनकी सर्जरी हुई है, या उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, या वो बहुत जल्दी बीमार रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं हमेशा, वह भी इस सिरप का यूज़ करें तो उनमें भी आयरन की कमी को पूरा करेगा और उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। ये सिरप जो है इम्यूनिटी बूस्ट करता है। यदि किसी व्यक्ति को कहीं पर मसल्स पेन हो रहा हो, बार बार मसल्स पेन होते हैं कहीं पिल्लियों के नीचे, घुटनों के नीचे, तो वह भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मसल्स पेन में भी काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि ये वहाँ सेल्स को इम्प्रूव करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी में क्रैम्प्स में पेनफुल जो होता है वो नहीं होगा। तो यहाँ इसका यूज़ किया जाता है, और मैंने डोज भी आपको बता दी है। और हाइपरटेंशन के पेशेंट भी इस सिरप को ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वो जिन व्यक्ति को डायबिटीज़ है वह भी इस सिरप को लें। पर जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को लीवर या किडनी से कोई संबंधित भी कोई बीमारी है तो वे अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप को लें। इस वीडियो को देखकर वे इस सिरप को ना पिए, है ना। तो बात कर लेते हैं हम इसके बारे में कि इसे कितने दिनों तक पीना चाहिए। तो आप इसे 2 से 3 महीने तक लगातार पी सकते हैं। आपको रिज़ल्ट तो इसे 15 से 20 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर देखने लगेगा, आप में इम्प्रूव हो जाएगा, आप में आयरन बढ़ जाएगा, वीकनेस की प्रॉब्लम है जो दूर होने लगेगी, वज़न भी बढ़ने लगेगा, आपको 15 से 20 दिनों में ये सब
देखने को मिल सकता है, पर आप इसे 2 से 3 महीने तक लगातार पी सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको इस सिरप को नहीं पीना चाहिए। उसके बाद आपको आयरन के, जिसके अंदर भी आयरन रहता है, और हरी सब्जियां खाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, कैल्शियम फ्रूट खाना है, ये सब खाना है, जिससे में आप में ये कम अगली बार अपनी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।